हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर ऋचा झौरी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हेल्दी, शाइनी और स्मूथ बाल के 10 टिप्स देने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, वीक में हमें सिर्फ 2 ही बार शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि अगर हम जब वॉश करते हैं तो उसके 2 या 3 दिन बाद जो नेचुरल ऑयल और मॉइस्चर आता है, जो स्कैल्प के लिए अच्छा रहता है, स्कैल्प को नरिशमेंट देता है, वो आ नहीं पाता। उससे पहले ही हम वॉश कर लेते हैं, जिससे स्कैल्प ड्राई हो जाती है और बाल झड़ने लगते हैं। तो आपको वीक में सिर्फ 2 ही बार कंडीशनर और शैम्पू यूज़ करना है। और अगर आपको लग रहा है कि बालों में बहुत डर्ट हो गई है या स्वेटिंग की वजह से बाल गंदे हो गए हैं, तो आप नॉर्मल पानी से धो सकते हैं, पर शैम्पू सिर्फ 2 ही बार हफ्ते में। टिप नंबर 2, हमेशा बालों को जब भी कंडीशनर शैम्पू यूज़ करें तो अच्छे से पहले गीला कर लें। क्योंकि गीला करने से क्या होता है कि एक तो इवनली कंडीशनर और शैम्पू स्प्रेड हो जाते हैं, और दूसरा उसकी क्वांटिटी भी कम लगती है। तो आपको 1 मिनट तक बालों को गीला करना है, उसके बाद ही यूज़ करना है। टिप नंबर 3, हमेशा आपको पहले कंडीशनर यूज़ करना है, बाद में शैम्पू यूज़ करना है। जनरली हम लोग उल्टा करते हैं, और अगर हम बालों को शैम्पू के बाद जब हम यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादातर कंडीशनर ऐसे के ऐसे ही निकल जाता है। और दूसरा, अगर हम पहले कंडीशनर और बाद में शैम्पू करते हैं तो बालों में वॉल्यूम भी ज़्यादा दिखता है। तो पहले कंडीशनर यूज़ करें, फिर शैम्पू करें। टिप नंबर 4, कभी भी बहुत गर्म पानी से बाल ना धोएं, क्योंकि गर्म पानी से बाल धोने में बाल ड्राई हो जाते हैं। और ठंडे पानी से भी नहीं, हमें गुनगुने पानी से ही वॉश करना है। गुनगुने पानी से वॉश करने में क्या होता है, क्यूटिकल्स खुल जाते हैं, जिससे जो मॉइस्चर है और जो ऑयल है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपको गुनगुने पानी से ही वॉश करना है। पर जब आप एंड करें तो एंड फिर कोल्ड वाटर से करें, जिससे क्यूटिकल फिर से बंद हो जाए। टिप नंबर 5, हमारी जो रूट्स होती हैं वो ऑयलीस्ट होती हैं, तो हमें शैम्पू हमेशा रूट्स में करना है, जिससे उसका ऑयल निकल जाए। और जो एंड होते हैं वो बहुत रफ होते हैं, वहाँ पे हमें शैम्पू ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, वहाँ पे हमें कंडीशनर यूज़ करना है, जिससे वो जो रूट जो है, जो एंड है, वो जो ड्राई हो गए हैं, वो फिर से उनको हाइड्रेशन मिले, वो हाइड्रेट हो जाएं। क्योंकि अगर हमारे एंड हाइड्रेट नहीं रहते हैं तो फिर स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपको करना क्या है, शैम्पू जो है वो रूट्स में करना है, और कंडीशनर हमेशा एंड में करना है। टिप नंबर 6, जब भी आप बाल वॉश करें उससे 1 रात पहले हल्के गुनगुने तेल से मसाज ज़रूर करें। क्योंकि गुनगुने तेल से मसाज करने में क्या होता है कि स्कैल्प में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे बाल जो हैं वो कम टूटते हैं, बाल हेल्दी रहते हैं और स्कैल्प भी हेल्दी रहती है। तो आपको जब भी आप वॉश करें उससे 1 रात पहले गुनगुने तेल से अच्छे से मालिश जरूर करें। टिप नंबर 7, मालिश करने के अगले दिन आपको स्टीम ज़रूर लेनी है। क्योंकि स्टीम से क्या होता है, स्टीम से भी पोर्स खुल जाते हैं, जिससे जो भी आपने ऑयल यूज़ करा है वो अच्छे से स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है, और उससे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो आपको नेक्स्ट डे स्टीम लेनी है। स्टीम कैसे लेनी है, एक बर्तन में पानी खौलाना है, और पानी खौलाने के बाद उसमें टॉवल डिप करनी है, और टॉवल डिप करने के बाद उसको सर पे 2 या 3 बार पूरे सर पे आपको रखनी है, जिससे स्कैल्प हल्के से गर्म हो जाए। तो आपको स्टीम ज़रूर लेनी है। टिप नंबर 8, आपको बहुत विग्रसली जो है वो बालों को नहीं धोना है। कि कुछ लोग क्या करते हैं, नाखून से या उंगली के पोरों से बहुत तेज़ तेज़ अपने स्कैल्प में शैम्पू कंडीशनर करते हैं, जिससे क्या होता है कि स्कैल्प में अब्रेजन्स हो जाते हैं, और उसमें फिर इन्फेक्शन का खतरा रह जाता होता है। और जो वेट एयर होते हैं वो वैसे ही बहुत जल्दी टूटते हैं, बहुत फ्रेजाइल होते हैं। तो आपको करना क्या है कि हल्के हाथों से ही मसाज करनी है, आपको बहुत विग्रसली मसाज नहीं करनी है। टिप नंबर 9, हमेशा बालों को जो है नेचुरल तरीके से सूखने देना है। कभी भी जब भी सर्द होते हैं तो क्या ढूंढते हैं कि कहीं एसी मिल जाए, या फिर पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं, या कूलर के सामने, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि नेचुरल तरीके से जब बाल सूखते हैं
तो जो स्कैल्प का जो मॉइस्चर होता है वो उसमें रिटेन रहता है। एसी क्या करता है, सारा मॉइस्चर सक कर लेता है, जिससे फिर स्कैल्प ड्राई हो जाती है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको बालों को नेचुरल तरीके से ही सूखने देना है। टिप नंबर 10, कभी भी गीले बालों में कॉम्ब नहीं करना है, क्योंकि गीले बालों की जड़ें जो होती हैं बहुत कमज़ोर होती हैं, और अगर आप कॉम्ब करते हैं तो वो टूट जाती हैं। तो हमेशा बाल जब सूख जाएं तभी कॉम करें, और बाल जो है वो रूट से कभी ना कॉम करें, हमेशा मिड ऑफ द लेंथ से सुलझाएं, मिड ऑफ द लेंथ से नीचे की तरफ सुलझाएं, और उसके बाद फिर ऊपर से सुलझाएं, रूट से सुलझाएं। तो आपको गीले बालों में कॉम नहीं करनी है, और मिड ऑफ द हेयर से आपको कॉम्बिंग स्टार्ट करनी है। तो ये तो 10 टिप्स हो गए। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे और भी मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा मैंने हेयर फॉल पे एक और वीडियो बनाई है, अगर आप मेरे होम पेज पे आप जाएं तो आप उसमें भी, अगर आपको हेयर फॉल या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर कोई और कारणों से हेयर फॉल हो रहा है तो आप जाके उस पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने स्किन पे एक्ने, ओबेसिटी, डिप्रेशन, एसिडिटी, कई सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर इनमें से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे होम पेज पे जाके उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।